friends. Hello beautiful vibes. Welcome back to my channel Vibes Diary. तो मेरा आज का वीडियो है लिप बम स्पेशल. लिप बम तो हम लोग विंटर सीजन में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और बाजार चलती जो भी लिप बम है वो भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि कभी कभी हम लोग देखते हैं कि बैग में अगर रह जाते हैं बच्चे लोग यूज़ कर लेते हैं और कभी हम लोगों को भी एलर्जिक रिएक्शन हो जाते हैं. तो इससे बचने के लिए हम लोग घर में ही आज देखेंगे कैसे लिप बम तैयार करते हैं. इससे हम लोग के बच्चों को भी यूज़ करा सकते हैं और आप लोग भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है और बहुत ही ईजी सी अभी प्रोसेस है. तो अगर ये वीडियो आप सब लोगों को यूजफुल लगे तो ज़रूर लाइक शेयर कमेंट कीजिए और न्यू व्यूअर्स सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे हिट कीजिए ताकि मेरे ऑल वीडियोस आप लोग पहले देख सकें. तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं कैसे हम लोग घर में ही लिप बम तैयार करते हैं. फ्रेंड्स तो DIY लिप बम के इन्ग्रीडियंट से पहले तो है एलोवेरा जेल, विटामिन ई टैबलेट. यहाँ पर मैं ओशिया की सिंदूर यूज़ कर रही हूँ एज ए कलर. ये आयुर्वेदिक है. फिर रोज़ वाटर परंपरा की. ग्लिसरीन है, बाजार चलती है, ये कोई ब्रांडेड नहीं है. वेजलिन है, ये बाज़ार में आप ओनली 5 रुपीस में आपको मिल जाएंगे. और एक कंटेनर है छोटा सा. तो ये है हम लोगों का इंग्रेडिएंट्स. फ्रेंड्स चलिए अब देखते हैं हम लोग घर में कैसे तैयार करते हैं लिप बम. तो पहले हम लोग लेते हैं एक छोटा सा कंटेनर. आप लोग कोई भी मॉल पे इसको परचेज कर सकते हैं और आसानी से मिल भी जाते हैं. और फर्स्ट हम लोग लेंगे बेसिन. इसको आप 5 रुपीस में आप आसानी से कोई भी शॉप से खरीद सकते हैं. तो मैं ये 5 रुपीस का जो बेसिन आते हैं इसमें पूरा यूज़ करूँगी. अगर आप लोग चाहते हैं और ज़्यादा करेंगे तो आप लोग ज़्यादा भी ले सकते हैं. बट मैं यहाँ पर ये छोटा सा कंटेनर में जितना होता है मैं उतना ही करके आपको दिखा रही हूँ. अगर आप लोग चाहते हैं कि ज़्यादा करें तो आप लोग को जो इन्ग्रीडियंट है उसका जो परिमाण है मतलब क्वान्टिटी है वो भी इंक्रीज करना पड़ेगा. तो चलिए अब देखते हैं. तो पहले हम लोग इसमें पूरा वेजलिन को कंटेनर में भर लेते हैं. मैं हाथ यूज करके ही इसमें पूरा ही डाल रही हूँ क्योंकि ये वेजलिन है, स्टिकी है, स्पून से ये नहीं होगा इसलिए. थोड़ा सा स्पून के पीछे का जो एकदम ये होता है इसे थोड़ा सा मैं इसको स्मैश कर लूंगी. आप हाथ से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब मैं इसमें यूज करूंगी वो भी एकदम थोड़ा सा होगा. ये मैं दूंगी 2 ड्रॉप
टू टू थ्री ड्रॉप, ज्यादा नहीं। अब मैं यूज करूंगी विटामिन ई कैप्सूल। ये बहुत ही अच्छा है स्किन के लिए, लिप के लिए, हेयर के लिए, तो ये आप यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर तो यूज कर रही हूँ। वन टेबलेट यहाँ पर यूज कर रही हूँ। अब मैं इसमें यूज करूंगी जिसको ये लिप बम कहलाएगा, वो है ये कलर। मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ ओशिया हर्बल्स की मिस्टिक सिंदूर। आप लोग कोई भी सिंदूर यूज कर सकते हैं, पर ऑफ कोर्स ये होना है, उसको होना है आयुर्वेदिक, क्योंकि अगर आप बाजार चलती कुछ भी सिंदूर उठा के ले आएंगे और यूज करेंगे ना, तो फिर आपको वो इचिंग प्रॉब्लम या कोई भी प्रॉब्लम, क्योंकि हम लोग जब लिपस्टिक यूज करते हैं वो थोड़ा बहुत हम लोगों का मुंह में तो जा ही जाता है और उससे हम लोगों का पेट में जाता है, तो आप लोग जानते हैं कितना प्रॉब्लम होता है। और अगर कोई भी बच्चे यूज़ कर ले तो उसको भी और भी प्रॉब्लम होगा। तो जब भी आप ये सिंदूर और कलर वगैरह जो भी यूज़ करें, तो उससे पहले देख लें ये 100% आयुर्वेदिक है या नहीं। तो ओशिया हर्बल्स का जो सिंदूर है वो 100% आयुर्वेदिक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। अब अगर आप लोग चाहिए तो फूड कलर भी यूज़ कर सकते हैं, फूड कलर भी इसमें देंगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हम लोग अभी यूज़ कर रहे हैं। हम लोग इसमें थोड़ा सा सिंदूर ऐड करके आपको दिखा रहे, देखिए मैंने स्पून के एकदम थोड़ा सा स्पून के हाफ भी नहीं, हाफ से भी थोड़ा कम मैंने ये पर यूज। तो फ्रेंड्स अभी देख सकते हैं ये रेडी है बनके, कितना क्यूट सा कलर आए हैं। आप देखिए मैं ब्रश से यूज करके आपको दिखा रहे हैं, हाँ एकदम रेडेड हो गए हैं। रेड कलर में हुआ है, अगर आप लोग चाहे तो ये ऑरेंज में भी सिंदूर आते हैं या डीप रेड में भी सिंदूर आते हैं, तो आप लोग वो लोग भी वो भी यूज कर सकते हैं। तो वो भी यूज करने से भी उसका जो कलर है वो भी डिफरेंट डिफरेंट कलर आएगा, बट ये कलर आप देख सकते हैं और भी अच्छा लगता है ये। तो अब रेडी है ये।
है मेरा DIY लिप बम। तो बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।